hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 7 on the hibernate in this video we will discuss what is the difference between hibernate gate method and hibernate load method so let us get started now as we know इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर आई डी देन हाइबरनेट प्रोवाइड्स टू मैथड्स फर्स्ट गेट मैथड एंड सेकेंड लोड मैथड सो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए हाइबर नेट ने हमें दो मेथड प्रोवाइड की है गेट मैथड एंड लोड मैथड जो हमने प्रिवियस वीडियो में डिस्कस भी किए थे अब हम यह देखेंगे कि गेट मैथड और लोड मैथड में डिफरेंस क्या होता है सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज गेट मेथड सिलेक्ट रिकॉर्ड गेट मेथड इज कॉल्ड गेट मेथड तब रिकॉर्ड करता है जब हम गेट मेथड को कॉल करते हैं बट इन द लोड मेथड रिकॉर्ड इज नॉट सिलेक्टेड वॉट द लोड मेथड इज कॉल्ड यानी जब हम लोड मेथड को कॉल करेंगे उस समय रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं होगा इन स्टेट रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड वेन द ऑब्जेक्ट इज यूज वेरी फर्स्ट टाइम और जब हम रिकॉर्ड को सबसे पहली बार यूज करेंगे मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहली बार जब यूज करेंगे तब रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा ओके नाउ अस डिस्कस दिस वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सो जस्ट लुक हियर द हाइबरनेट कोड

ओके एंड देन गेट मेथड के कॉलिंग के बाद में जब हम डेटा प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे भी एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट मैं दे दू उसमें मैं लिख रहा हूं प्रिंटिंग ईएमपी कंटेंट ओके सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर सो लुक हम यहाँ गेट मेथड को यूज कर रहे हैं लाइन नंबर ट्वेंटी सेवन पे अब जैसा कि हमने डिफरेंस में देखा था कि गेट मेथड जब हम गेट मेथड को कॉल करते हैं उसी समय रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है ओके okay? सो so ये यहीं पे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेगा इवन यदि आप रिकॉर्ड को प्रिंट नहीं करो तो भी ये रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेगा ओके okay? सो so देखें पहले हम इसको रन करके सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम नाउ इस प्रोग्राम को हम रन करें जस्ट लुक हियर गेट मेथड इस कॉल लिखा हुआ आ गया और उसके बाद में सिलेक्ट क्वेरी फायर हुआ यानी गेट मेथड जब हमने कॉल किया तभी सेलेक्ट क्वेरी उसने फायर किया और डेटा भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया उसके बाद में हमने रिकॉर्ड को प्रिंट करवाया है तो सिर्फ रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है फाइन ओके okay. अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करें इवन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड है उसको प्रिंट भी नहीं करवा रहा हूँ जो रिकॉर्ड को प्रिंट करवाने का कोड है मैंने कमेंट कर दिया आई एम जस्ट कॉलिंग द गेट मेथड सिर्फ गेट मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम ना होंड जस्ट लुक ओके यहाँ पे हमने सिर्फ गेट मेथड को कॉल किया है सो गेट मेथड कॉल इज रिटर्न और सिलेक्ट फायर हुआ सो डजन मेटर की जो रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है उसको आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जैसे हम गेट मेथड कॉल करते हैं तो जो हाइबरनेट है वह रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता है सो दिस इज गेट मेथड अब हम यहाँ पे लोड मेथड को यूज करके देखें सो so, गेट की जगह मैंने अब लोड मेथड को लिख दिया है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोड मेथड कॉल है ना? सो लोड मेथड इज कॉल रिटर्न ओवर हियर अब यहाँ पे देखो मैंने लोड मेथड तो कॉल किया हुआ है बट उस रिकॉर्ड को प्रिंट नहीं करवाया हुआ है ओके सिर्फ लोड मेथड को हमने कॉल किया हुआ है सो गेट मेथड में तो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया था अब इसमें देखते हैं रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा या नहीं सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे हियर लोड मेथड इज कॉल्ड ये स्टेटमेंट लिखा लिखा हुआ हुआ आ गया लेकिन क्वेरी नहीं लिखा इसका मतलब डेटाबेस से रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं हुआ तो जब हम लोड मेथड को कॉल करते हैं तो लोड मेथड के कॉल के समय रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं होता है ओके okay? बट अब मैं लोड मेथड ने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करवा रहा हूं ओके सो यहाँ पे प्रिंटिंग ई एम पी कंटेंट इसको मैंने अनकमेंट कर दिया और रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए जो एसओपी स्टेटमेंट लिखा था उसको भी अनकमेंट कर दिया नो लेटेस्ट अंदर प्रोग्राम एंड चेक वॉट विल हैुकअर स्टूडेंट ओके लोड मेथड इज कॉल रिटर्न बट सिलेक्ट क्वेरीफायर नहीं हुआ फिर प्रिंटिंग ई एम पी कंटेंट ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और जब हम ई एम पी के कंटेंट को प्रिंट करवा रहे हैं उस समय रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है सो लोड मेथड में क्या होता है कि रिकॉर्ड तब सिलेक्ट होता है जब आप सबसे पहली बार वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को यूज करते हो इसके पहले सिर्फ यहाँ पे हाइबरनेट एक प्रोक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ओके कंटेंट वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है जो कि ई एम पी में स्टोर हो जाता है ओके रियल कंटेंट इज सिलेक्टेड व्हेन इट इज यूज्ड वेरी फर्स्ट टाइम सो दिस इज द कि गेट मेथड जब आप कॉल करते हैं तभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता है जबकि लोड मेथड जब कॉल कि किया जाता है उस समय रिकॉर्ड नहीं सिलेक्ट करता अपितु जब उस ऑब्जेक्ट uh, के कंटेंट को पहली बार यूज किया जाता है तब उसको सिलेक्ट uh, करता है और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि गेट मेथड में तो आप कंटेंट uh, को यूज करो या ना करो ऑब्जेक्ट को यूज करो या ना करो रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा बट लोड मेथड में यदि आपने लोड मेथड कॉल कर लिया बट उसके रिकॉर्ड को यूज नहीं किया ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया तो रिकॉर्ड जो है डेटाबेस हो, हो गई नहीं एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फाइन सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस विल डिस्कस द सेकेंड डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस इज गेट मेथड रिटर्न

और उस आईडी के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो लोड मेथड जो है वह ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रू करेगा ओके सो अस डिस्कस दिस डिफरेंस प्रैक्टिकली नाउ फाइन सो यहां पे देखें सबसे पहले मैं अब गेट uh, मेथड को कॉल कर रहा हूं और यहाँ पे लिख भी देता हूं गेट मेथड इज कॉल्ड सो गेट मेथड मैंने कॉल किया एंड लेट मी टेल यू कि हंड्रेड आईडी के करस्पॉन्डिंग डेटा बेस में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सो so, जब मैंने हंड्रेड आईडी डी यहाँ पर दिया और डेटा बेस टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सो so, देखें गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा सो so, प्रोग्राम को रन करें

सो so, अब देखें लोड मेथड uh, कैसे बिहेव करेगा सो so, प्रोग्राम को हम रन करें वेन वी रन द प्रोग्राम एंड जस्ट लुक हियर व्हाट इज गोइंग ऑन सिलेक्ट क्वेरी बराबर फायर हुआ अब जो गिवन आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इसीलिए जो लोड मेथड उसने देखें क्या किया उसने एक एक्सेप्शन थ्रो किया ओ आर जी डॉट हाइबन डॉट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन ओके सो लोड मेथड रिकॉर्ड यदि नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रू करेगा फाइन सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द गेट मेथड एंड लोड मेथड ऑफ हाइबरनेट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो